आज हम बनाएंगे बथुआ उड़द दाल। बथुआ की दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप उड़द की दाल। दाल मैंने छिक्कल वाली ली है। दाल को डालेंगे बड़े बाउल में। अब इसको 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे। दाल को 2-3 बार अच्छे से धुल लिया है। दाल को डालेंगे अब प्रेशर कुकर में। अब दाल में डालेंगे 1 कप उबला पिसा हुआ बथुआ। मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप मैंने दाल ली थी, उसी के हिसाब से 1 कप मैंने पिसा हुआ बथुआ ले लिया है। दाल में अब डालेंगे पानी। पानी को बथुआ और दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर दाल में मैंने 3 कप पानी डाला है। अब दाल में ऐड करेंगे मसाले। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक दाल को पका लेंगे। कुकर में 2 सीटी आ गई हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। कुकर में प्रेशर ख़त्म हो गया है। ढक्कन खोल के दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी दाल बन के आई है। दाल को कुकर से बाहर निकाल लेंगे। दाल में तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों के तेल में तड़के का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 5-6 पिंच हींग, 4-5 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन की। हींग जीरा लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। हींग जीरा लहसुन अच्छे से भून गए हैं। अब यहीं पर डाल देंगे 2 बीज से कटी हुई हरी मिर्ची, 2 लाल मिर्ची। मिर्ची को भी हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तड़का बनके तैयार है। तेल हल्का सा ठंडा हो गया है। इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर को तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी बथुआ उड़द दाल बन के आई है। बथुआ और उड़द की दाल सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।